इस बीच बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। कांग्रेस में लोकसभा प्रभारियों के नामों को लेकर संशय की स्थिति है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने लोकसभा प्रभारियों की लिस्ट बदली है। एआईसीसी ने की थी लोकसभा प्रभारियों की लिस्ट जारी। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के दफ्तर से अब नई लिस्ट जारी हुई है। विदिशा के लिए राजकुमार पटेल को प्रभारी बनाया गया था। राजकुमार पटेल की जगह अब एनपी प्रजापति प्रभारी बनाए गए हैं। तो लोकसभा प्रभारियों के नामों को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रभारियों की लिस्ट बदली है। एआईसीसी की तरफ से ये लिस्ट जारी की गई थी, लेकिन अब इसमें बदलाव हुआ है। विदिशा के लिए राजकुमार पटेल को प्रभारी बनाया गया है। राजकुमार पटेल की जगह पे एनपी प्रजापति को बनाया गया। दरअसल पहले राजकुमार पटेल थे, अब उनको बदला गया है। तो क्या वजह थी ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरह से प्रभारी बदला गया है उसके बाद से अब ये बात समझने वाली होगी कि चुनाव के ठीक पहले इस तरह से बदलाव क्यों किए जा रहे हैं। अगर बदलाव करने ही थे तो समय रहते पहले ही कर देते। और क्या बाकी लोगों के नामों में भी बदलाव होगा, इस पर पूरी विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिनेश शुक्ल जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, आपसे समझना चाहेंगे इस बदलाव के पीछे की वजह क्या थी और क्या किसी और का नाम भी बदला जा सकता है? देखिए, जिस तरह से लोकसभा प्रभारियों की पहली जो लिस्ट आई एआईसीसी की तरफ से, उसमें बदलाव करते हुए अब जीतू पटवारी जो कि पीसीसी चीफ है मध्य प्रदेश के, उनके ऑफिस से एक दूसरी लिस्ट आई है जिसको कि INS 24/7 ने प्रमुखता से लिया है और इस लिस्ट में कुछ बदलाव किए गए हैं। मुझे लगता है कि पूरे सलाह मशवरे के साथ शायद पहली लिस्ट नहीं आई थी एआईसीसी से, जिसको बदलाव करके अब जीतू पटवारी के ऑफिस की लिस्ट जारी की गई है। जिसमें बात करें तो बड़ा नाम जो है राजकुमार पटेल का है, जिन्हें विदिशा का प्रभारी बनाया गया था, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं विदिशा लोकसभा सीट से। और ऐसा माना जाता है कि राजकुमार पटेल के जो है संबंध बहुत प्रगण हैं शिवराज सिंह चौहान के परिवार से। और मैं आपको याद दिलाऊं, अगर पीछे जाएं तो जब पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज, जब विदिशा से लोकसभा जो चुनाव लड़ी थी, उस समय राजकुमार पटेल को वहां से उतारा गया था, लेकिन बी फॉर्म की वजह से कुछ दिक्कतें आई थी और फिर ये चुनाव राजकुमार पटेल नहीं लड़ पाए थे और किसी कारण उन्हें ये जो इस पूरे विवाद को लेकर विवाद हुआ था। और अब ये जो लिस्ट आई है एआईसीसी की तरफ से, उसमें संशोधन करते हुए अब पीसीसी जीतू पटवारी की तरफ से नई लिस्ट जारी की गई है। बिल्कुल दिनेश जी, आप नजर बना रखिये। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।